अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आ जाइए। तबलीगी फाउंडर इन 1927 बाय मोहम्मद इलियास अल खंदलावी इन इंडिया। अब तबलीगी जमात भी आप देखते हैं, तबलीगी जमात जिसमें आप देखते हैं कि वो लोग स्पिरिचुअल बहुत मेहनत करते हैं। स्पिरिचुअल यानी अल्लाह से जुड़ जाओ, रूहानियत, रहबानियत, अल्लाह से जुड़ जाओ पर मेहनत है। मगर अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है पर मेहनत नहीं है। तो वो भी जुड़ना भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, शुरुआत हम नीचे से नहीं करेंगे, शुरुआत हम ऊपर से करेंगे। तो ये कब फाउंड हुआ, 1927 में मोहम्मद इलियास खंदलावी ने तबलीगी जमात की शुरुआत की। दिस सेट इंक्लूड्स फोर बुक्स नेमली हयातुस्सहाबा, फजाइल आमाल, मोहम्मद ज़करिया अल-खंदलावी, फजाइल सद्दाक एंड मुंतखब अहादीस। तबलीगी जमात में चार किताबें अहम हैं। फजाइल आमाल तो आप लोग सुने ही होंगे, खैर वो पूरी अहादीसों को वो लोग सही पढ़कर, सही कहकर फजाइल आमाल की किताब को पढ़ते हैं, जो मोहम्मद ज़करिया साहब ने किताब को लिखा है। फजाइल सदक़ात, मुंतखब अहादीस और हयातुस सुन्ना, इनकी चार मेन किताबें हैं। ये अहादीस की किताबें हैं, मगर मैक्सिमम इसके अंदर जो है ज़ईफ़ हदीसें हैं। दावा का काम करना, जमात में जाना, इनका काम ये कहते हैं दावा का काम करना, इस्लाह का काम करना और जमातों में जाना। आप लोग सुना तबलीगी जमात, भाई जमात को गए या घर की मस्जिद के पास कोई जमात आई पढ़ने के लिए, तीन तीन महीने निकल जाते, चार चार महीने निकल जाते, एंड दावा का काम करो, इस्लाह का काम करो। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इनका क्या रहता, नमाज कायम करो। बहुत अच्छी चीज़ है, नमाज कायम करना कोई बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा है, जज्बा बहुत अच्छा है तबलीगियों के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर जज्बा अच्छा है, नमाज की तरफ बुलाना, स्पिरिचुअल आप बन जाना, रहबानियत के अंदर आप आ जाइए, अल्लाह से जुड़ जाइए। मगर हम क्या कहते हैं, जब पहले हम अकीदा सही करेंगे, समझ में, अल्लाह का अकीदा सही करेंगे उसके बाद आप नमाज से जुड़ेंगे, हम वो यही कहते हैं। ये लोग सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करते। इस्लाम के अराकिन क्या है, तो शहादत है, पहले अकीदा है, उसके बाद सलाह है, इन्हों पहले सलाह से शुरू कर दे। तो हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ज़रा ऊपर से आ जाइए, तो आप भी जो है इंशाल्लाह सही अकीदे में दाखिल हो सकते हैं। इनके छह प्रिंसिपल्स हैं, कलीमा। इनके जब भी आप जमातों में जाएंगे, जब भी इनके साथ बैठेंगे, सुनेंगे, करेंगे, तो ये क्या करते हैं, कलीमा के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद सलाह हमेशा, जैसा मैंने कहा, सलाह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इल्म एंड ज़िक्र, रियाद-उस-सालिहीन, मुंतखब अहदीस, कलेक्शंस ऑफ ऑथेंटिक अहदीस विदाउट कमेंट्री, हयातुस-सहाबा एंड फजाइल आमल वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अमॉन्ग अदर हदीस। इल्म और जिक्र ये कहाँ से लेते हैं, चार किताबों से लेते हैं, मुंतखब अहदीस से लेते हैं, हयातुस-सहाबा से लेते हैं, फजाइल आमल से लेते हैं और रियाद-उस-सालिहीन से ये लेते हैं। इकराम मुस्लिम, दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना। इकरामुल मुस्लिम इनके प्रिंसिपल्स में से। कभी भी आप तबलीगी को मिले तो ना गुस्से में न रहता, बहुत नरम रहता तबलीगी जमात वाले बहुत ही नरम मिजाज के रहते। क्यों रहते हो, उनके सिक्स प्रिंसिपल्स के अंदर है वो, उनके अकायद के अंदर है वो, उनके मजलिस में, उनकी जमात में सिखाया जाता कलीमा, उसके बाद नमाज, उसके बाद जो है आपको इल्म और जिक्र करना, इसलिए जिक्र भी ज़्यादा करते हैं। आप देखिए ये सब चीज़ें बुरी है कह रहा हूँ मैं, अच्छी है, गुड, बट फर्स्ट स्टेप अकीदा, वो नहीं रहा, बाकी नीचे पूरी चीज़ें करें। जिक्र कर रहे हैं आप, जिक्र में कुछ भी कर दे रहे, जो सही नहीं है चलेगा, नहीं चलेगा। आप इल्म हासिल कर रहे हैं, गलत अहादीसों का इल्म हासिल कर रहे हैं, चलेगा, नहीं चलेगा। और इकरामुल मुस्लिमीन का, इकरामुल मुस्लिमीन में यही है कि सबसे अच्छी तरीके से बात करो। इसलिए कभी भी आप तबलीगी जमात वालों को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अंदाज में वो दूसरों से मिलते हैं। इखलास है, नीयत, खालिस नियत के साथ दुआ करना और अमल करना, सिर्फ अल्लाह ही की रजा के लिए, जिसके खुद की ज़िंदगी में तब्दीली आए। इखलास नियत, खालिस नियत, मतलब नियत अपनी खालिस रहना चाहिए भाई, और जो है जो हम अल्लाह के लिए करना चाहिए, ज़ात के लिए नहीं करना चाहिए, रिया के लिए नहीं करना चाहिए, अपनी सिफात के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए, ये सब अच्छा है। मगर हम क्या कहेंगे, अकीदा दुरुस्त करिए, उसके बाद आपकी नमाज भी सही होगी, उसके बाद सही अहादीसों पर भी आप अमल करेंगे। आप इकरामुल मुस्लिमीन, ये तो अहादीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, भाई आप पड़ोसी से सही रहो, आपके भाई से सही रहो, आपके अड़ोस पड़ोस वालों से सही रहो, ये पूरा सही है, मगर सबसे पहला अकीदा हमारा सही रहना चाहिए। ये है तबलीगी जमात फाउंडेड इन 1927। दावत तबलीग, दावा, इन्विटेशन एंड प्रीचिंग द स्पेयरिंग
of time to live a life based on faith and learning its virtues. Following in the footsteps of the Prophet Muhammad and taking his message door to door of the sake of faith. Door to door. आई बात समझ में? ये door to door जाते. इनका काम yes, Christians की तरह. इनका काम अच्छा है. ये लोग इंस्पायर भी अच्छा करते, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन भी अच्छा देते, नमाज की तरफ भी बुलाते, आप इस बाल भी सही रखते, दाढ़ी भी रखाने लगाते, एवरीथिंग इज गुड. बट हम ये कहते हैं सेकंड स्टेप से स्टार्ट करें. अगर आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर देंगे ना, तो खुद का अकीदा भी सही करेंगे और बाकी लोग जितना कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इल्म जिक्र, लोगों के साथ अच्छा रह रहे हैं, नीयत अच्छी रख रहे हैं, दावत और तबलीग सब कर रहे हैं. अब दावत और तबलीग करना है, उनकी दावत और तबलीग में सिर्फ नमाज है, यानी नमाज से शुरुआत करते वो लोग. दावत और तबलीग में नबी और साहबा नबियों का तरीका क्या था? अकीदा. अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अकीदा. तो हम यही कहते हैं आप पूरा अच्छा कर रहे हैं, मगर सिर्फ फर्स्ट स्टेप भी इंक्लूड कर लेंगे तो बाकी का पूरा सही हो जाएगा. अब आप इसके अंदर आप कहीं पर भी अकीदा नहीं है, दावत और तबलीग कर रहे हैं आप, क्या दावत और तबलीग कर रहे हैं आप, नमाज की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, मगर अल्लाह की तौहीद और अकीदा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है तबलीगी जमात. जमात इस्लामी एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1941 इन ब्रिटिश इंडिया बाय द इस्लामिस्ट थ्योरीज इन स्कोप सोशियो पॉलिटिकल फिलोसोफर अब्दुल अबुल आला मौदूदी साहब ने 1941 में जमात इस्लामी की शुरुआत की. ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. तो आप देखते हैं कहीं पर भी पॉलिटिक्स के अंदर जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में. जमात इस्लामी वाले वो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रहे. ये इनका सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था. इसके बानी और सदर है अबुल आला मौदूदी साहब. तुलू ए इस्लाम इस्लाम को वापस लाना एक नॉन डिनोमिनेबल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है और इनके मेंबर्स सारी दुनिया में हैं. इसके बाद हैं गुलाम अहमद परवेज ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था तुलुए इस्लाम. तुलुए इस्लाम का माना इस्लाम दुनिया से चले गया. वही देखो 700 करोड़ लोगों में से खाली तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान हैं. इस्लाम दुनिया से चले जा रहा कहीं भी नहीं इस्लाम. तुम इस्लाम को वापस लाओ, इस्लाम वापस इस्टेब्लिश होना चाहिए. तो पाकिस्तान में शुरू हुआ ये तुलुए इस्लाम, जिसका नाम है गुलाम अहमद परवेज. तो इनके भी कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता, कभी खवारिज घुस जाता, कभी इमामत घुस जाती, कभी कोई अकीदा ख़राब हो जाता, कभी कोई चीज़ पर उल्टे पुल्टे हो जाते. ये फिर अभी जमात इस्लामी का भी थोड़ा दिया मैं, खाली आपको बता रहा हूँ ये हेडिंग कहाँ से, ये कहाँ से शुरुआत हुई. अब इनका क्या है जमात इस्लामी का मसला, क्या इमामत का मसला है इनका. इन्हों बोलते कि खलीफा आ जाना फ़ौरन. इख़वानुल मुस्लिमीन भी है क्या, अभी नीचे इसमें है. इख़वानुल मुस्लिमीन भी बोलते हैं इमीडिएट खलीफा आ जाना. तो हम बोलते हैं खलीफा इमीडिएट नहीं आता. खलीफा आने के लिए सबसे पहले दावत का काम हमको करना है, पहले लोगों की जहनीत बनाना है. आज के दौर में खलीफा आ गया तो मानते हैं आप और मैं, अरे दारिदा कौन है कि बोलते. आई बात समझ. इस्लामी खलीफा आने के लिए पहले लोग का जहन बनना, वैसा लोग खलीफा को मानने वाले काबिल क्या बनना. अब अपना खलीफा है तो बरेली का खलीफा अलग रहता, जमात इस्लामी का खलीफा अलग रहता, तबलीगी जमात का खलीफा अलग रहता. खलीफा का माना पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक लीडर, वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले लोगों का जहन बनाना है, लोगों का इस्लाम के अंदर आना है. लोगों को इस्लाम ही नहीं मालूम है, खलीफा को मानते. ठीक, तो ऐसा इमामत का मसला है इनका. तो तुलु इस्लाम भी बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम वापस लाना, बल्कि इनका एक कॉन्सेप्ट बना है और पूरी दुनिया में इनके जो है मेम्बर्स बने हुए. उसके बाद आया कुरानिज़्म बानी अब्दुल्ला चक्रावीस अहले कुरान एंड रशद खलीफा के कहा हदीस एंड सुन्ना वेर सैटानिक इन्वेंशंस एंड सैटानिक स्कीम्स. अब्दुल्ला चक्रवालीज एंड राशिद खलीफा ने कुरानिज्म लाया. कुरानिज्म का माना क्या है, सिर्फ कुरान को मानना, हदीस को नहीं मानना. ये कुरानिज्म किसको कहते हैं, ये अपने आप को अहले कुरान कहते हैं. हम इनको मुनकिरीन हदीस कहेंगे, हदीस को इनकार करने वाले. ये कई सारे हैदराबाद में कई है और पूरी दुनिया में भी है, हदीसों का इनकार करने वाले. सिर्फ कुरान होना हमारे को, सिर्फ कुरान. ठीक है, नमाज का तरीका कहाँ है फिर? बोले कि नमाज ही नहीं है, बोले फिर बोले कि आंखों से दिल में नमाज पढ़ना, बोले आई बात. ज़कात देना है, ज़कात का तरीका कहाँ है? कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में कि चार चीज़ें तुम्हारे लिए खाना है, नहीं खाना है. ठीक है, तो फिर तुम बाकी की चीज़ों का क्या करना? मच्छी अल्लाह ने कहा मुर्दार गोश्त नहीं खाना, तो मच्छी मार्केट में कैसा मिलती? मुर्दार मिलती. ठीक है, अल्लाह ने गधे के बारे में कुरान में नहीं कहा तो इनके लिए गधा
जायज हो जाएगा, क्योंकि गधा हराम हदीस में है, मुर्दार मच्छी खाना हदीस में है। तो इन्होंने हदीसों का इनकार कर दिया, बोले हदीस ही नहीं होना मारो। तो ये कुरानिज्म वाले हैं कभी भी, इसलिए हमेशा कई बार मैं कहा, कभी भी अपने घर में या कहीं बार देखते हैं कि प्रपोजल्स के लिए, रिश्तों के लिए जाते हैं ना, ये तो पूरा चेक करना, उन्हें पहले बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत कुरान को मानता हूँ, दाढ़ी टोपी नमाज पढ़ गया, अल्लाह घर में पूरे तोगरे लगे हुए थे, मक्का मदीना काबे के पूरे कलमे रहते, बाद में मालूम होता आई ली हदीसों की नहीं मानता कहते, या फिर बच्ची हदीसों की नहीं मानती कहते, आई ली ये क्या हो गया, अरे बच्ची शिया निकल गई, अरे बच्ची खादिया नहीं निकल गई, ऐसा हो रहा, समझ में आई बात। तो कहीं पर भी जा रहे, अच्छा हम इंक्वायरी करना किस चीज़ पर मानते, कुरान पे मानते, और ये कुरान पे मानता था बहुत अच्छा दिख रहा बच्चा, हुआ तो बाद में हदीस को नहीं मानता हूँ बोलता फिर शादी के बाद, आई बात समझ में। तो ये पूरी इंक्वायरी करना घर के मर्द हजरात की जिम्मेदारी है। कुरानिज्म ये लोग निकाले बदमाश, ये कहे कि हमको सिर्फ हदीस होना, कुरान नहीं चाहिए, सिर्फ कुरान पर जो है हम जिंदगी गुजार लेंगे बोले। मेहदाविया और मेहदाविज़म 15वीं सदी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने अपने आप को शोई के शियाओं के 12 इमाम मेहदी ऐलान किया। मेहदविया एक फ़िरका है, वो कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए, मेहदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं, क़यामत की निशानियों में मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे, दोनों मिलकर याजूज माजूज का खात्मा करेंगे, वो क़यामत की निशानियों में। मगर मुसलमानों में एक फ़िरका है, उन्होंने अकीदे को बदला, कहा कि क्या है, इमाम मेहदी जो है आ चुके हैं। अब ये कहते हैं कि मेहदीविज़्म 15वीं सदी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने अपने आप को शियाओं का 12वां इमाम ऐलान कर दिया। शियाओं के 12 इमाम हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये भी थोड़ी रिसर्च करिए, शियाओं के 12 इमाम हैं, और वो आखिरी इमाम को कहते हैं कि वो जिंदा है, और वो इमाम ज़ामिन मालूम है ना, हाथ पर बनते इमाम ज़ामिन मालूम, शियाओं का इमाम ज़ामिन है मालूम, अपने होम मिनिस्टर बनते ना सबको, अरे मालूम करना आप लोग, वही हज उम्र कुछ गए जब बनते देखो हाथ पे, हाँ हज उम्र कुछ गए बनते हैं, वो क्या है देखे ना, कुछ चमकी चमकी वाला रहता, आया नज़र में नहीं आया देखना, तो वो शियाओं के इमाम है वो। तो जाते जाते हज उम्र को शियाओं का अकीदा ये है कि वो बने तो हज को जाके वापस आए तक वो इमाम साहब हिफाजत करते आपकी, तो इमाम जामिन बनते हो। तो इमाम जामिन किसके इमाम है, शियाओं के। शियाओं का अकीदा क्या है, इमाम जामिन, जामिन का माना जमाना, जमाने की हिफाजत करने वाले इमाम है उन्हों। तो अपने सुन्निया भी हौले क्या करते हैं, हज को जाने से पहले बन लेके जाते, इनू मेरी हिफाजत करते बोल के, हिफाजत करने वाला कौन है, अब ये बनेंगे तो शिर्क। ये छोटी छोटी चीजें हमको समझना चाहिए। तो चलिए, मगर ये अपने आप को सुन्नी कहते थे, इनमें से फूट हुई और जिक्री महदवी भी निकले, महदी में से फूट हुई, इनके शख्स बने जिक्री महदीवी। 1496 क्रिश्चियन एरा में ये मक्का गए और वहां तवाफ करने के बाद इसने अपने आप को इमाम महदी कहा। ये महदीवी जो है जौनपुरी मक्का गया, वहां पर तवाफ करने के बाद अपने आप को महदी कहा। मक्का के अलावा मक्का के उलेमा ने उसको उस टाइम का ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बोले कि पागल हो गया अभी अपने आप को महदी कह रहा। ठीक है, 1960s और 1980s में भी मक्का के अंदर बमबारी गोलीबारी हुई, मालूम है उसकी हिस्ट्री, देखिए उसके पूरी वीडियो है, पूरे के पूरे जो है उनका कोई नाम है मैं भूल गया, कोई ग्रुप था वो काबे के अंदर जाके वहाँ पर पूरी फायरिंग करे वो 1980 में, पूरी इसकी वीडियो है इंटरनेट पर। फिर सऊदी हुकूमत उसको कैसा बचाई, कैसा उन लोगों को पकड़े, फिर कैसा उन लोगों को गन डाउन करे, उन लोगों को कैसा असासिनेट करके उन लोगों को ख़त्म करे, पूरा का पूरा वीडियो है, वो भी अपने को हिस्ट्री मालूम रहना चाहिए। चले ठीक है, तो मक्का जाकर इसे तवाफ किया, उस जमाने के उलेमा ने तवज्जो नहीं दी। फिर ये 8-9 महीने मक्का में रहने के बाद अहमदाबाद गुजरात आया और वहाँ ऐलान किया कि मैं महदी हूँ, और कोई जो उस पर ईमान लाता है वही मोमिन है। जौनपुरी ने कहे कि किस्सा करे उन्हों क्या करे, अपने आप को पहले मक्का गए, मक्का में तवाफ़ करके, और हदीस में है कि तवाफ़ करने के बाद लोग पहचाने कि अरे आप इमाम मेहदी है, और इमाम मेहदी के वालिद वालदा का नाम वही रहेगा जो नबी के नाम वालिद वालदा का है, अब्दुल्ला और आमिना रहेगा इमाम मेहदी के वालिद का नाम। तो तवाफ़ करने के बाद पहचानेंगे कि अरे आप इमाम मेहदी, आप इमाम मेहदी है। तो इसने क्या किया, वही कॉपी किया, तवाफ़ किया वहाँ पर, कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ जो हदीस में आया है। ठीक है,
उलमा ने बोला अरे पागल हो गया अभी कौन है की बोल के छोड़ दिया। तो क्या करा, गुजरात आके उसने फितने को शुरू कहा कि मैं इमाम महदी हूँ, मैं आ गया हूँ। तो आज भी हैदराबाद में कई सारे महदवी पाए जाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम हमारे इमाम महदी आ चुके हैं, मगर असल कब आने वाले हैं वो क़यामत की निशानियों में है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में है। वो भी उन्हों और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर दज्जाल और याजूज माजूज को ख़त्म करेंगे, वो बहुत आगे की बात है। मगर इसने कब कर दिया ऐलान, वो 1496 में ही कर दिया, आज से 600 साल पहले ही कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो ये अकीदा पूरा उलट अलट पलट हो गया इनका। चलिए आखिरी कौन है, अब मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन है, इख्वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड। इनका मेन यही है कि इस्लामिक कैलिफेट आ जाए पूरी दुनिया में। इख्वानुल मुस्लिमीन ये भी बहुत शिद्दत परस्त है, यूके यूएस एंड कैनेडा, ये बहुत स्ट्रांग है लोग, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मगर इनका कॉन्सेप्ट यह है कि पूरी दुनिया में कैलिफेट आ जाए, खलीफा आ जाए। तो हम कहेंगे खलीफा आने के पहले फॉलोवर्स को करेक्ट करना है, उसके बाद लीडर लाना है। फॉलोवर्स ही नहीं है, लीडर ला के ठहरा देंगे तो उन्हें किसको लीड करेगा या फिर फॉलोवर्स किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट यह है कि पूरी इस्लामिक खिलाफत पूरी दुनिया में आ जाना। ये एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादियारी, में जैसा बताया मैं अपने आप को, इन्हें इसने जो है नबूवत का दावा कर दिया था 1989 में, अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा, इसने अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा, फिर कहा कि मैं नबी हूं, फिर कहा कि मैं नबी हूं। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, गुलाम अहमद वॉज बॉर्न इन नॉन बेरिंग प्रॉफिट लाहौर में, फिर ये गया, फिर वहां पर बहुत लंबा 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 किस्सा हुआ। फाइनल ये है कि इसने अपने आप को नबूवत का दावा किया, झूठे नबी होने का दावा किया और पूरी दुनिया में खादियानियत के फितने को फैलाया। अकीदा क्या है इसमें, वन आमना बिल्लाह व यौमिल आखिरी वल मलाइकति वन नबीयीन, नबियों पर अकीदा कैसा लाना है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यही पैकेज है नबियों का। कहाँ से है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यही पैकेज है नबियों का। इसके बाद अगर किसी को मानेंगे तो अकीदा ख़राब। तो इसने कहा कि मुझे नबी मानो, अगर इसको नबी मानेगा कोई तो इस्लाम से बाहर, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या समझ में आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, अवेले सहाबा, उसके बाद अवेले अहदे सहाबा, अवेले आखिर सहाबा, अवाखिर सहाबा, ये तीन दौर गुजरे। उसके बाद ताबाई का दौर गुजरा, तबे ताबाई का दौर गुजरा, उसके बाद मुहद्दिसीन का दौर गुजरा, उसके बाद उलेमा का दौर गुजरा, उसके बाद ये पूरे फ़िरके निकल के यहाँ तक आए हैं। कमाना ये जितने भी फ़िरके निकले, जितने भी सेक्ट्स इन इस्लाम निकले, जितने भी टुकड़े निकले, ये सब के सब कुरान से दूर हुए, कुरान के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हुए, हदीस के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हुए। जैसे ये कुरान हदीस के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हुए, ये नए नए फ़िरके निकाले और नए नए मजहब निकाले, जैसा कि खादियानियत और बरेलवियत। बरेलवियत भी हम कहेंगे कि ये टोटल आउट ऑफ इस्लाम है, टोटल आउट ऑफ इस्लाम है। जो भी ये करते हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो भी इस्लाम है उसके खिलाफ जाएंगे तो वो बरेलवियत बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये पूरा तो हिस्ट्री पढ़ ली हम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने फ़िरके बने उनकी पूरी हिस्ट्री सुन लिए। उसके बाद हमको वही हदीस याद आती है, तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 171, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज के दौर में, आज के दिन, जिस तरीके से जो इस्लाम को कबूल करेगा, जिस तरीके से इस्लाम पर अमल करेगा, वही जन्नत में जाने वाला है। बाकी के पूरे नबी अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137, फ़ाइना आमनु भी मुस्लिम आमन तुम भी फ़कत हितदो व इन तवल्लो फ़ाइना महम फ़ी शिक़ाक़, कि अगर आपके रास्ते पर चलते हैं सहाबा तो वो सही रास्ते पर है, अगर उनका रास्ता छोड़ेंगे तो अल्लाह सुबहाना ताला तुम्हें फ़िरक़ों में बांट देगा, ठीक है। ये आयत है, अल्लाह का वादा है कि सहाबा के रास्ते को छोड़ेंगे तो फ़िरक़ों में बांट देगा, सहाबा का अकीदे को छोड़ेंगे तो फ़िरक़ों में बांट देगा। सहाबा ने कभी भी ये नहीं माना कि खबरों से कोई सुनता है, सहाबा ने कभी भी ये नहीं माना कि अल्लाह सुबह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में घूमते हैं, सहाबा ने कभी भी ये नहीं माना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। इनके रास्ते को छोड़ते ही फ़िरक़ों में बढ़ गए, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 103 में कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रुकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फ़िरक़ों में ना बढ़ जाओ। तो हमने क्या किया, अल्लाह की रस्सी कुरान है, अल्लाह की रस्सी को छोड़ते ही क्या हुआ, फ़िरक़ों में बढ़ गए। अल्लाह ने वार्निंग दी ये करो वरना फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे,
वो करते ही फिरकों में बढ़ गए। ये करो, कुरान को पकड़ो, वरना फिरकों में बढ़ जाओगे। जैसे कुरान को छोड़े, फिरकों में हम बढ़ते गए। तो उसके बाद हमारा सही अकीदा क्या होना चाहिए वो देखकर इंशाल्लाह हम ख़त्म करते हैं। अभी जो मैं हदीस पढ़ा था, हदीस नंबर 171, वही है, द मेन बॉडी इंग्लिश का तर्जुमा है वो, ठीक है। 10 सहाबा इन जन्नत, 10 सहाबा जो जन्नत में रहेंगे। सैयद जामे की हदीस है, सैयद जामे सगीर की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 1, हदीस नंबर 50 में, अबू बकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 लोग जन्नत में जाने वाले हैं। उसको क्या कहते हैं? गुड टाइडिंग्स, ग्लैड टाइडिंग्स, गुड टाइडिंग्स, बशारत दी है। अशर मुबशरा का माना 10 लोग जिनको गुड टाइडिंग्स, खुशखबरी दी गई। वो कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुलरहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन अल जर्रह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 10 है। सब बोलते नाम याद रहना, इस्लामिक कैलेंडर के नामा भी याद है ना, याद रहना, ये बेसिक है, भूल जाएंगे। हाँ, पोर बता रहा हूँ मैं, इस्लामिक कैलेंडर के नामों याद रहना, 10 अशर मुबशरा के नाम याद रहना, 4 खुलाफा के नाम याद रहना, 6 हदीसों की किताबों के नाम याद रहना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, कौन से साल में नबूवत मिली, कौन से साल में वफात हुई, मक्के में कितने साल थे, मदीने में कितने साल थे, कितने जंगे हुए, कितनी जंग जीते, कितने जंग जो है डिफीट हुए, सब बेसिक है, हिस्ट्री याद रहना है अपने को, ठीक है। सही जामे सगीर की हदीस है, 10 अशर मुबशरा जिनको डायरेक्ट नबी ने कहा कि तुम जन्नत में जाओगे। वैसे तो पूरे के पूरे सहाबा जन्नती है, ठीक है, पूरे के सारे सहाबा जन्नती है, मगर डायरेक्ट नबी ने इनको फेस टू फेस कहा कि तुम जन्नती है, ठीक है। तो इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डायरेक्ट हुआ। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है, बुक ऑफ वर्चूज़ ऑफ सहाबा, सही मुस्लिम में वर्चूज सहाबा की वर्चूज़ के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 52, हदीस नंबर 2535, नरेटेड इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वेरीली द बेस्ट अमंग यू टू फॉलो इज माई जनरेशन। किसको फॉलो करना है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इज माई जनरेशन द मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस, देन दोज़ हु फॉलो, उनको जो फॉलो करते ताबई, एंड देन दोज हु फॉलो देम, यानी तबे ताबई, मेरी 3 जनरेशन्स, यानी मेरे बाद 3 जनरेशन्स कन्फर्म है, आप उसको उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि कोई मिक्सिंग कर दे, क्लियर। और मिक्सिंग करना शुरू कहाँ से हुआ? सहाबा के टाइम से शुरू हो गया ना, सहाबा के टाइम से ही मुसलमा बिन कज्जाब आ गया, बोला कि मैं नबी हूँ। उसके बाद खवारिज का फिरका आया, तो इन्होंने दबा कर रख रहे थे, दबा कर रख रहे थे, बचा रहे थे, सहाबा दीन को बचा रहे थे। वहाँ उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कुरान का मुसहफ बनाने में लगे हुए, दूसरे सहाबा अहादीसों को लिख दे रहे हैं, भूल जाएंगे बोल के लिख दे रहे हैं, ये दीन को बचा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हुकूमत थोड़ी ठंडी पड़ गई, हुकूमत में जो है ज़्यादा दम नहीं था, तो जब जो है ये शैतानी फ़िरके निकलना शुरू हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कह दिया, मेरे माई जनरेशन सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन। उसके बाद अगर आप किसी की तकलीद करते हैं तो वो जायज़ नहीं है। यानी कोई कहते कि मैं इमाम हम्बली छूँ, मैं मालिकी छूँ, मैं शाफई छूँ, ठीक है, ये कहता है तो चलने वाला नहीं है। मैं हम मोहम्मदी होना चाहिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह अज़ाब 33 आयत नंबर 33-21 में फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? बस ख़त्म। क़यामत के दिन कौन बचाने वाले हैं? बस ख़त्म। अगर बरेलवी कहेगा कि मेरे पीर बचाएंगे, बरेलवियों का अकीदा क्या है? बरेलवी कहते हैं कि क़यामत के दिन मेरे पीर और मेरे मुर्शद जो है मुझे अपने दामन में बचाकर जन्नत में लेकर चल जाएंगे बोलते। मगर उनको ये मालूम होना चाहिए क़यामत के दिन कोई भी कपड़ों में नहीं रहेगा, तो उनका दामन कहाँ से आते हैं? उनका पीर का दामन ही चीनी है वहाँ पर। तो बेसिक चीज़ अगर नहीं मालूम है तो ऐसी कहेंगे, तो हम कहते हैं कि बेसिक चीज़ मालूम है, क़यामत के दिन बिना कपड़ों के ही रहेंगे। गॉट द पॉइंट? ये समझना चाहिए। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 164, अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा, बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल इनमें से भेजा गया है, और इनको आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, और इन्हें पाक करते हैं, और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या कहा? ये गुमराही में थे। इनको करक करने वाले कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हमको करक करने वाले कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई कहता है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और उनका अकीदा नबी साहबा से नहीं मिलता है, तो हमारा अकीदा भी ख़राब हो जाएगा। सूरह हशर नंबर 59 की आयत नंबर 7, जो कुछ रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे रुकाए उससे रुक जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला से डरते रहो, और यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जो तुम रसूल तुम्हें दे दे
वही मेरा सिलेबस है, जिससे रुकाए उससे मुझे रुक जाना है, ठीक है। नहीं भाई, रसूल जो दिए वो नहीं लूंगा, जिससे रुकाए वही करूंगा, ये आज मुसलमानों का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह से मांगो, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जो है क़यामत के दिन फैसला करने वाला है, इय्याका नाबुदु वइय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करो तुझी से मांगते हैं। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खबर से मांगो, खबर वाला सुनने वाला है वो, तुम्हारे पीर वली बाबा सुनने वाले हैं। तो क्या हो गया, किस्सा वहीं पर ख़त्म। रसूल ने दिया तुम्हें इय्याका नाबुदु वइय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, और तुमने कहा कि मैं खबर वाले से मांगूंगा, तो तुमने नबी की मुखालिफत की और तुम गुमराही में चले गए। ये हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। चलिए, सूरह निसा सूरह मफूर आयत नंबर 59, ऐ ईमान वालो, फरमाबरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमाबरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अतीउल्लाह व अती रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अती रसूल, ऐ लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत करो, दूसरे किसी बाबा पीर फ़कीर मुर्शद की इताअत करेंगे तो वो गुमराही में चले जाएंगे। अगर कोई आलिम की बात मानते हैं, कोई आलिम की बात सुनते हैं, कोई मुहद्दिसीन की बात सुनते हैं, तो उनकी बात भी कुरान हदीस से होना चाहिए, ना कि हाँ भाई आलिम कह दिया मैं उनकी बात को मान रहा हूँ। नहीं, वो आलिम का फतवा भी कुरान और हदीस की बुनियाद पर ही होना चाहिए। सूरह निसा सूरह मफूर की आयत नंबर 65, खसम है तेरे रब की ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तमाम आपस के इख्तलाफ में आपको हाकिम ना बना ले। दुनिया के जितने भी इख्तलाफ है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल मामला हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़े हो, चाहे पड़ोसी से लड़ाई झगड़े हो, किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपके हाकिम कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने कहा जब तक के ये ईमान वाले नहीं है, जब तक के हाकिम ना बना ले। कितनों ने आज हाकिम बनाया नबी को अपने हर मसाइल में? ये हमको मुहासबा करना है। अगर हाकिम नहीं बनाते हैं तो ईमान वाले नहीं हैं, ये अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा। सूरह अहज़ाब सूरह 33 की आयत नंबर 36, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करने के बाद किसी ईमान वाले मर्द या औरत को कोई चॉइस नहीं, यानी चारा नहीं है, बल्कि उसको उसी पर अमल करना है। अल्लाह ने फैसला कर दिया, नबी ने फैसला कर दिया, तो यही हमारा फैसला है। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ख़वातीन को हिजाब करना है, तो यही फैसला है। अल्लाह ने, नबी ने फैसला कर दिया कि मर्द आदमी को दाढ़ी छोड़ना है, तो यही फैसला है। अल्लाह ने, नबी ने फैसला कर दिया कि मर्द आदमी को टखने के ऊपर पहनना है, तो यही फैसला है। इसके बाद उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस है हमारे पास? नहीं है, यही करना है। आगे सुनिए, बल्कि उस पर ही अमल करना है। अगर कोई अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है तो वह गुमराह हो जाएगा। यहां पर किसकी बात हो रही? पूरी अल्लाह की बात हो रही, रसूल की ही बात हो रही। इनको ही अमल करना है इंशाल्लाह। सूरह नजर 53 की आयत नंबर 3 और 4, वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी हुक्म देते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। हदीस में भी अगर कोई हुक्म आता है तो वो भी अल्लाह का ही हुक्म है। अल्लाह का कलाम कुरान, नबी का कलाम हदीस, हदीस खुदसी, हदीस के अंदर अल्लाह का कलाम जब आता है तो वह हदीस खुदसी बन जाता है, और हदीस के अंदर अल्फाज नबी के होते हैं और हुक्म अल्लाह का होता है, ठीक है। सूरह आल इमरान 3 की आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबियूनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इताअत किसकी करो? किस तरीके से करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर, जो अहदीस में मौजूद है उसके हिसाब से जो है हम इताअत करेंगे। अब कुरानिज्म है, अहले कुरान वाले उन्होंने हदीस को ही नहीं मानते, तो नबी की इताअत कहाँ से होगी? आई बात समझ में? तो हम उनको समझाना चाहिए। वो लोग ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, ये आयत का माना क्या, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और नबी की इताअत करो। अल्लाह की तो इताअत कुरान से हो जाएगी, नबी की कहाँ से होगी? जब मैं हदीस को ही नहीं मानता हूँ तो उसको हदीस को भी मानना चाहिए। नहीं, हदीस जो है वो 200 साल के बाद लिखी गई थी, वो इंसानों ने लिखा, तो कुरान कौन लिखे फिर? क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम लिखे? वो भी कातिबी ने वही लिखे ना। अहदीस को भी जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया अतीउल्लाह अतीउर रसूल। अतीउर रसूल तो हम इंसान पूछेंगे ना अल्लाह से, अल्लाह अतीउल्लाह तो कुरान से हो जा रहा, अतीउर रसूल कहाँ से होगा? तो अल्लाह ताला अतीउर रसूल के लिए अहदीस को भी जमा करके हमारे लिए दिए हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 14, और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और उसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकलता है, वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
क्लियर। अल्लाह ने कहा जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, नाफरमानी और उसके बांधे हुए मुकर्ररा हुदूद से आगे बढ़ता है। हुदूद क्या है? अल्लाह से ही मांगना। हुदूद क्या है? अल्लाह ही सुनने वाला। उससे आगे जाके हम खबर से मांगे तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ेंगे तो वो जहन्नम में जाने वाला है, डाल दिया जाएगा, वो हमेशा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए ही रुसवाई और अजाब है। अल्लाह का हद, अल्लाह के हुदूद, यही मानना है हमको इंशाअल्लाह। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीउन, बताया हमें कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और फ़िरक़ों में नहीं बटना है। फ़िरक़ों में नहीं बटना है तो किसको पकड़ना है? कुरान और सही अहदीस। सूरह निसा की आयत नंबर 115, जो शख्स बावजूद राय हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्दी करता है और तमाम मोमिन सहाबा की राह छोड़कर चले जाए, हम उसे उधर ही मुतवज्जो कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जो होकर रहता है और दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर जो रास्ते पर चलता है ना, जैसा इतने फ़िरके निकल गए, बरेलवियत निकल गई, खादियानियत निकल गई, कुरानिज़्म निकल गया, फ़लाँ ये निकल गया, वो दुनिया की चीज़ें निकल गए, तो अल्लाह कहते हैं कि जो जो अल्लाह रसूल के रास्ते को छोड़कर जो रास्ते पे तेज़ भाग रहा ना, अल्लाह ताला उसका रास्ता और आसान कर देते और वही रास्ते से सीधा जहन्नम में जाएगा वो। तो इसका माना यह है कि वो अल्लाह ताला इसको चाह रहे हैं कि जहन्नम में जाए? नहीं, वो इतनी फास्ट वो गुमराही के रास्ते पर चलता है कि हिदायत की सोचता भी नहीं, जिंदगी में एक बार भी ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह सही रास्ता मुझे दे दे, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दे दे, कभी नहीं। वह बरेलियत के गुमराही के रास्ते पर तेज भागता, सीधा जहन्नम। खादियानियत के रास्ते पर तेज भागता, सीधा जहन्नम। कोई गुमराह फिरके तेज भागता, कुरानिज्म है, अहले कुरान, मुनकरीन हदीस, हदीस को मान रहा है नहीं, तेज भाग रहा, वैसे सीधा जन्नत में, जहन्नम में जाएगा। तो ये अल्लाह सुभान तआला का वादा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 137, सहाबा का रास्ता ही पकड़ो, अगर उस रास्ते को छोड़ोगे तो फ़िरक़ों में तब्दील हो जाओगे, और उसी रास्ते को हमने छोड़ा और फ़िरक़ों में तब्दील हो गए। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वान, अल्लाह सहाबा से राज़ी और सहाबा अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह सहाबा से राज़ी इसीलिए था क्योंकि सहाबा ने नबी को माना, नबी के कुरान को माना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर एग्जैक्ट अमल किया, तभी अल्लाह ने सहाबा को कबूल किया। उसी तरह हम एग्जैक्ट अमल करने की कोशिश करेंगे तब अल्लाह सुबहाना ताला हमें भी कबूल करेंगे। कोई भी फ़िरक़ों में, इतने जितने फ़िरक़े देखे हैं, मुअत्तज़िला, मुफव्विज़ा, ख़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, ये सब फ़िरक़ों के चक्कर में जाएंगे इंसान और मुसलमान तो वो गुमराह हो जाएंगे। मेथडोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस हमको समझना है। ये 3-4 फार्मूलेज आपको समझाता हूँ, आप लोग याद रख लीजिए। हमको इस्लाम कैसा अमल करना है, सबसे पहले मेथडोलॉजी, मनहज हमारा नबी और सहाबा के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, कुरान की समझ और दीन की समझ हमारी कुरान और हदीस से होना चाहिए, और प्रैक्टिस हमारा अमल जो है कुरान और हदीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के फहम पर ही हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेथडोलॉजी का माना है मनहज, मेरा कॉन्सेप्ट इस्लाम पर खादरिया वाला नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट इस्लाम पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादियानी का नहीं है, कुरानिज़्म का नहीं है, ना फिर बरेलवियत का है, ना फिर देवबंदियत का है, मेरा जो है इस्लाम है। अंडरस्टैंडिंग, इस्लाम की समझ कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह सुबहान तआला शारक़ की रख से करीब है, तो क्या हम अल्लाह को यहाँ काट कर देखेंगे? अल्लाह नहीं, अगर तफसीर पढ़ेंगे तो इब्न अब्बास ने कहा अल्लाह का इल्म और अल्लाह के फरिश्ते, तो ये समझ कहाँ से आएगी? अहादीस में से आएगी। और अमल, अमल मुझे नमाज पढ़ना है, क्या मैं जो है ऐसे ही नमाज पढ़ लूँ? फजर की नमाज में 10 रकात पढ़ूँ, जोहर की नमाज में 2 रकात पढ़ूँ, मैं 5 नहीं 10 रकात पढ़ूँ, 5 नहीं 10 नमाज़ें पढ़ूँ? नहीं, ये अमल भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मुताबिक ही होना चाहिए। यही हमारा सिलेबस है, यही हमारे टीचर्स है। उसके बाद अकीदा आता है, इबादत आते हैं, मामलात आते हैं। अकीदे में क्या नहीं होना चाहिए? शिर्क नहीं होना चाहिए। अकीदे में सबसे पहला किस पर? तौहीद पर ही हम बात करें, उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करें। हमारा सबसे पहले अकीदे में शिर्क नहीं होना चाहिए। हमारा अकीदा खालिस, क्लियर, प्योरिटी वाला, अल्लाह पर खालिस, जैसा नबी और सहाबा ने ईमान लाया वैसे ही हमारा अकीदा है। उसके बाद नीचे आया कि अगर फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे तो वो अकीदा हमारा नहीं होना चाहिए। इबादत, इबादत में हमारे बिदत नहीं होना चाहिए। जो भी हम इबादत कर रहे हैं, अगर कोई कहता है अच्छा ये भी कर लिए तो क्या होता है, ये भी अच्छी चीज़ है भाई, वो तस्बीह पढ़ ले तो क्या होता, वो भी अच्छी चीज़ है, वो बींज के ऊपर कुछ करीमा, आयते करीमा पढ़ रही,
क्या होता है, अच्छी चीज़ है, फातिहा दिला रहे हैं, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है, जाके आप खबरों पे कुरान पढ़ें ये भी अच्छी चीज़ है, नहीं, हर अच्छी चीज़ हर टाइम पर करना सही नहीं है, हर सही बात हर जगह बोलना सही है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाके आप दावत का काम कर सकते हैं, हाँ, कोर्ट के अंदर ठहर के कर सकते, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कर सकते, नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे, बात अच्छी है मगर जगह सही नहीं है। तो उसी तरह आप कुरान पढ़ना सही है मगर तरीका गलत है। तो अकीदे में शिर्क नहीं होना, इबादत में बिदत नहीं होना कभी भी, जो भी इबादत है वो नबी और सहाबा से प्रूव रहना कि भैया नबी सहाबा ने किया तो ही हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। अकीदा, इबादत और मामला, जो भी आप मामला करते हैं वो मामले में कोई भी हराम नहीं होना चाहिए। जो भी डीलिंग्स आप करते हैं एक दूसरे से, जो भी आप एक दूसरे से चाहे वो कारोबार की डीलिंग हो, चाहे वो बिजनेस की डीलिंग हो, चाहे कोई भी डीलिंग हो, उसमें हराम काम नहीं होना चाहिए। मेथडोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, तीनों के तीनों नबी और सहाबा से। अकीदा में शिर्क नहीं होना, इबादत में बिदत नहीं होना और मुआमलात में हराम नहीं होना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर। तो ये था कंप्लीट हमारा 2 घंटे 50 मिनट का, 2 घंटे 50 मिनट है ना, 1:20 को स्टार्ट करें, 2:20, 3:20, 4:20 नहीं हुए अभी, 2 घंटे 50 मिनट का शॉर्ट वर्जन है अकीदे का, ठीक है, शॉर्ट वर्जन ऑफ अकीदा, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के फ़िरक़ों के बारे में बताया गया, कैसे कैसे फ़िरक़े कहाँ से निकले, किसका क्या क्या अकीदा है, कैसे कैसे अकीदों पर इन्होंने अपने आप को तोड़ा, उसके 4 मदर्स ऑफ अकीदा बताया कि ये बुनियाद पर ये अकीदे बने, इस 4 बुनियाद पर अकीदे बने और 4 वजह से अकीदे बने। इमामत में आप देखें कि भाई शियाओं का कैसा, वो लोग बोले कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही बनाओ खलीफा, तो पूरी की पूरी राफिजियत और शियत बनाए लोग, बोले कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हमारे पहले, ठीक है। उसके बाद तकदीर को जब छोड़े, अल्लाह के नाम और सिफात को छोड़े, तो मुफविज़ा बने, मुआतिला बने, ठीक है, खादरिया बने, चिश्तिया बने, ये पूरे कहाँ बने, तकदीर के कॉन्सेप्ट में बने, गॉट द पॉइंट। तो ये पूरे मिक्सिंग है, तो ये सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये सब कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। तो सीधा क्या करना, मेन सिलेबस कुरान, मेन सिलेबस हदीस, बस इसी पर डायरेक्ट अमल करो, इसी के हिसाब से एग्जाम लिखो और इसी के हिसाब से पास हो जाओ, गॉट द पॉइंट। मेन हमारे कॉलेज का, हमारी यूनिवर्सिटी का मेन जो है सिलेबस हमारे पास रखा है। गलत क्या है देख लेते बैठते, अरे अच्छा ये भी गलत है, ये जरूरत नहीं, गलत है छोड़ दो। ये विजडम कहाँ से सीखे, साहबा ने पूछा, एक कौन है जन्नत में जाने वाला, वो बोल दो बस, जन्नत में जाने वाले की सिफत इनको बताओ, एक की सिफत बता दो, वही चमल कर लेंगे, गॉट द पॉइंट। ये नहीं करना है, नहीं करना है छोड़ दो। 72 जो जन्नत में जाएंगे उनके गुनाह क्या रहेंगे वो नहीं पूछे साहब, पूछे कि एक जो जन्नत में जाएगा उसकी सिफत बता दो, वो अमल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो नॉलेज तो रहनी चाहिए हमारे को कि भाई ये फ़िरक़े ऐसा बने, ये फ़िरक़े ऐसा बने, इनका ये अकीदा है, इनका ये अकीदा है, ताकि इन अकीदे वाला जब भी अपने करीब आए ना तो उनका वायरस डिटेक्ट कर लेना, अपने पास एंटीवायरस डाल के रहना। एंटीवायरस क्या है, वो कुरान और हदीस, वो फिक्स रहा अपने अंदर, इंस्टॉल रहा, तो जो भी ये बरेलियत का वायरस आया डिटेक्ट होता, जो भी ये खादिनियत का वायरस आया डिटेक्ट होता, जो भी ये देवबंदी का वायरस आया डिटेक्ट होता, जो भी ये कुरानिज्म का वायरस आया डिटेक्ट होता। कब डिटेक्ट होता वो, जब अपने जहन में कुरान हदीस पक्की इंस्टॉल रहना, तो ये वायरसेस अपने करीब नहीं आते, ठीक है। वो इंस्टॉल रहने के वास्ते कुरान परफेक्ट, वो इंस्टॉल होने के वास्ते हदीस परफेक्ट, पढ़ना समझना और जो भी फतवे अमल कर रहे वो कुरान की बुनियाद पर रहना, जो भी फतवे अमल कर रहे वो हदीस की बुनियाद पर रहना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लेंगे, दुनिया में अमल करेंगे, उसका एग्ज़ाम लिखेंगे, उसका फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे। तो ये था हमारा अकीदे का कोर्स, जिसमें हमने सीखा कि हमारा अकीदा अल्लाह पर परफेक्ट होना चाहिए, अल्लाह ने जैसा बताया वैसा होना चाहिए, नबी ने जैसा सिखाया वैसा होना चाहिए, सहाबा ने जैसा सीखा वैसा हमारा अकीदा परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद के दुनिया में जितने भी चीज़ें आप करते जाओ, आप अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाओ, आप लोगों को खाना खिलाओ, मेडिकल का काम करो, आप लोगों की सोशल सर्विस करो, आप फला ये करो।